सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की, मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कहानी कुर्सी की भी आज बहुत सारी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर वो अपने माता पिता को साथ लेकर इंतजार कर रहे थे पूरे। उन्होंने तस्वीरें वस्वीरें भी दिखवाई, वीडियो भी बनाया उनके बुजुर्ग माता पिता। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं की। पूछताछ किस मामले में? स्वाति मालीवाल के मामले में। स्वाति मालीवाल ने दरअसल ये कल ये बताया था कि जब वो 13 तारीख को उनके घर गई थी तो उस रोज उनकी मुलाकात स्वाति मालीवाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, उनके माता उनके पिता से उनकी मीटिंग हुई थी, वो उनसे मिली थी। उसके बाद वो उस हॉल में जाकर के केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी, जहां उनका आरोप है कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, और वो भी बहुत बहुत बुरी तरीके से मारपीट की। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस आज अरविंद केजरीवाल की फैमिली का, उनके माता पिता का, उनकी पत्नी का बयान दर्ज करने के लिए जा सकती थी, ये चर्चा थी। लेकिन केजरीवाल साहब ने पहले तो ये कहा कि अब देखिए, अब ये मेरे बुजुर्ग माता पिता को भी परेशान करने वाले हैं, हरास करने वाले हैं, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। फिर उन्होंने जब ये क्लियर हो गया कि पुलिस आज नहीं जा रही है, तो फिर उन्होंने वो तस्वीरें भी शेयर की हैं, वीडियो जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। आज एक दूसरी खबर बंगाल से आई है। ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों को ओबीसी में जो आरक्षण दे रही थी 10% का, करीब 40 जातियां मुसलमानों की उन्होंने ओबीसी में शामिल कर रखी थी और उनको आरक्षण मिलता था, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसके पीछे जो भी सर्वे वगैरह करना होता है वो सब कुछ नहीं किया गया, यानी पूरा पैमाना नहीं पूरा किया गया, उसके बावजूद ये आरक्षण दिया गया। कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। इस पर बीजेपी बड़ी हमलावर है, वो भी खबर मैं आपको दूंगा। राहुल गांधी ने अब एक ऐसी बात कह दी जिसे सेल्फ गोल के अलावा कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूं। उन्होंने फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, जून 1970। मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं तब भी जाता था और मैं ये जानता हूं, मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं। तो मुझे झूठ नहीं बोल सकते कि सिस्टम कैसे काम करता है, मैं जानता हूं। और ये सिस्टम जो है ये पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। अब वो किसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे पता नहीं, खैर उन्होंने ये बात की, ये बात भी हम आपको दिखाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आप जर मेहमान आ गए हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहानी कुर्सी में आ चुके हैं, मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका। और समीर जवाहर साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन व्यूअर्स, आज हम ये प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं बस एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आज मैं आपको दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और ये एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में सब इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी, हमें संदेश आते थे कि ऐसा कब होगा। पूरा चुनाव आपने देख लिया, निकल गया, पूरे चुनाव में तरह तरह की बातें आप लोगों ने देख ली, पूरे चुनाव में आपने तरह तरह के नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब भी सुन लिए, लेकिन एक चीज़ की कमी आपको भी खटक रही थी, तो वो कमी जल्द पूरी होने वाली है, इतना मैं आपको कहूँगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो एक अद्भुत ही एहसास है, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। वो जब मैं आपको सरप्राइज़, जब मुझे भी इजाज़त मिल जाए कि मैं वो सरप्राइज़ आपको दे सकता हूँ कब, तो वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसकी बात बाद में। पहले ज़रा अरविंद केजरीवाल साहब की बात कर लेते हैं। तो केजरीवाल साहब की तस्वीरें फिर स्क्रीन पर लाते हैं, जब वो अपने माता पिता को, उनके माता पिता की उम्र काफ़ी है, एज काफ़ी बुजुर्ग हैं, एजड हैं, उनको वो जैसे पार्क में थोड़ा टहला रहे थे, उसकी तस्वीर वगैरह उन्होंने शेयर की। अच्छा, ये सब तब हुआ, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं तो जब घर गई थी मैं तो उनकी फैमिली से मिली थी। अभी तक क्या कहा जा रहा था कि ये ज़बरदस्ती घुस गई, यही कहा गया ना सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कि ये तो धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती घुस गई, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। लेकिन वो कह रही है मैं तो इनकी फैमिली से मिली, तो फैमिली से कैसे मुलाकात हो गई? अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती आपके घर में घुस रहा है तो वो परिवार से मुलाकात कर लेगा आपके? उनका कहना है कि मैं उनकी पत्नी से, माता पिता से मिली, फिर मैं केजरीवाल जी का वेट कर रही थी और उसके बाद विभव कुमार आते हैं और उन्होंने मेरे साथ ये मारपीट शुरू कर दी। और दिल्ली पुलिस उनकी फैमिली का आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जा रही थी, लेकिन वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं ये इसकी मैं बात करूं, उससे पहले ज़रा स्मृति ईरानी जी को अब भारतीय जनता पार्टी ने उतारा
अरविंद केजरीवाल और ये स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के ऊपर, और स्मृति ईरानी कह रही हैं इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उसके घर के अंदर एक सांसद के साथ ऐसी घटना हो, उसके साथ मारपीट हो। स्मृति ईरानी की बात सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे। स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था, इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में, केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं, केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ इत्यादि, इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। और एक इन्हीं की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, वह बहुत ही दिल दहलाने वाला है। लंबे समय तक ये चुप्पी साफ कर बैठे रहे, क्यों नहीं बोले इस स्वाति मालीवाल के साथ कैसे घटना हुई है? 15 दिन तक बराबर ये चुप्पी साधे रहे और अब ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, आज उस दिल्ली पुलिस की जांच पर आपको भरोसा हो गया है? बहनों भाइयों, जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजनाथ जी ने भी इस पर रिएक्शन दिया, तो हमने वो भी आपको दिखा दिया। देखिए, एक तो बात अभी जो समझ में आ रही है वो ये कि पता नहीं बीजेपी क्यों वेट कर रही थी कि अपने बिग गन्स को वो उतारेगी और बाद में उतारेगी। अब इस बात को भी 10 दिन तो हो चुका है। बहरहाल, अब स्मृति ईरानी जी, राजनाथ जी, सबने खुल करके इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। नड्डा जी बोले थे इससे पहले, ये बात सही है, सब पूछ एक ही बात रहे केजरीवाल जी क्यों खामोश है, केजरीवाल जी कब बोलेंगे। लेकिन आज जो हुआ, माता पिता की उन्होंने जो वीडियो डाली और कहा कि अब ये दिन यही रह गया था बाकी कि आप मेरे बूढ़े माता पिता को भी पुलिस के सामने पेश करवाएंगे, अब पुलिस गई नहीं। सौरभ जी, मुझे लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल जहाँ चले गए हैं वो शायद कितने भी नीचे जाकर राजनीति में लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्या दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनके माता पिता को सीपी के यहाँ, एसीपी के यहाँ, डीसीपी के यहाँ या थाने में आना है? नहीं कहा। दिल्ली पुलिस ने कहा हम आएंगे, पूछताछ कर सकते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल हाथ पकड़कर अपने माता पिता को बाहर घुमा रहे हों और प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं, धूप में घूम रहे हैं, लॉन में घूम रहे हैं, इसकी वीडियो डालने का मतलब क्या हुआ? इसका दो ही मतलब होता है। एक मतलब तो ये है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किसी की हिम्मत कैसे हो गई, कानून से हम ऊपर हैं, कैसे ये संभव हो गया कि आपने ये कह दिया कि हम पूछताछ करेंगे। और दूसरा मतलब यह है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजनीतिक लाभ के लिए हम कहीं भी खड़ा कर देंगे, हो सकता है कि किसी मंच पर भी अपने माँ बाप को ले जाकर वो बयान दिलवा दें। और जिस जगह पर वो खड़े हैं, देखिए ये कोई बहुत आश्चर्यजनक तस्वीर नहीं, जिसके भी माँ बाप जिनकी उम्र ज्यादा है वो घुमाते हैं, टहलाते हैं, लेकिन इस तरह से पति पत्नी लेके माँ बाप को घूमे ये बड़ा कम देखने को मिलता है। आमतौर पे ये नहीं होता है, आप अगर वॉक करा रहे हैं, सैर करा रहे हैं, सिर्फ कैमरे के लिए, ये सिर्फ कैमरे के लिए किया गया है ये बाकायदा। और चूंकि पार्टी में भी स्टैब्लिश करना है कि दो ही लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सामान्य घटनाक्रम था, आप अपने घर में रहते। और उसके बाद देखिए संजय सिंह लगते हैं ऐसा बेशर्म तानाशाह नहीं देखा, अब इसमें तानाशाह की बेशर्मी कहां से आ गई? पूरी पार्टी टूट पड़ती है कि अरविंद जी के बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं किया, पूरी पार्टी अयोध्या दर्शन के समय का दृश्य डालने लगती है, इस सब की आवश्यकता कहाँ है? इसका मतलब ये हुआ, जो कहावत चलती है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब ये है कि उस सरकारी आवास में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां इतना घिनौना शर्मनाक अभद्र कृत्य हुआ है
जिसको बचाने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को उनको सामने लाना पड़ा, वरना यह सामान्य सी घटना थी। पुलिस आती, एसी में माँ बाप बैठे रहते, उसी ड्राइंग रूम में जहां कैमरा नहीं है वहीं पूछताछ होती, वो पूछताछ करके चले जाते। इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं था, लेकिन तमाशा अपने माता पिता का भी बना दिया। ये मतलब ऐसा नेता तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा, जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ समीर जी, देखिए सर, इस घटना को 10 दिन पूरे हो चुके हैं, मतलब 240 घंटे पूरे हो चुके हैं, और इस 240 घंटे में अरविंद केजरीवाल ने 24 बयान दिए हैं, गिनकर मैं बता रहा हूँ, 24 बयान दिए, लेकिन एक बार भी स्वातिवाल मालीवाल के मामले में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। और जिस घटना को ये अरविंद केजरीवाल फोटो के रूप में बता रहे हैं कि माँ बाप के साथ मैं इंतजार कर रहा था, उस बात को लेकर मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के फादर ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप यह हॉल में घुमा लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल बोले नहीं, एक चक्कर लगाना है बाहर का, आपका फोटो निकालना है वहाँ पर। पिता की इच्छा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अपने पिता को गार्डन में लेकर जाते हैं, वहाँ पर वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। पिता तैयार नहीं थे बाहर आने के लिए, पिता ने मना किया था कि मैं अंदर बैठता हूँ, बाहर बहुत धूप है। बोले नहीं, आप सुबह चलिए वॉक करने हमारे साथ। ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से, और जब घर में मारपीट हुए, स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है कि मैं परिवार के सदस्यों से मिली थी, तो पुलिस पूछेगी ना, पहले तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करने आएगी पुलिस कि वो घर में थे तो उन्होंने इस मामले में क्या रोक टोक की, क्या उनकी इसमें सहमति रही है। अभी तो विभव कुमार कस्टडी में, कई बातें विभव कुमार ने बताई होगी कि किसके कहने पर उन्होंने हाथापाई की है। मुझे लग रहा है अभी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, सुनीता केजरीवाल से पूछताछ होगी, और दिल्ली पुलिस को जरूर लगेगा, तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ होगी। और मुझे लगता है पूछताछ होना चाहिए, क्योंकि ये घर का मामला नहीं है, घर के अंदर एक राज्यसभा सांसद के साथ। तो फिर केजरीवाल से भी होगी पूछताछ? बिल्कुल बिल्कुल होगी, पहले केजरीवाल से पूछताछ होगी। विभव कुमार ने बताया होगा कि उन्होंने जो पिटाई की है तो किसके कहने पर की है, और उसके भीतर के कई राज विभव कुमार ने बताए होंगे। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ होगी कि एक महिला जब चिल्ला रही थी वहां पर बचाने के लिए, तो आप बचाने क्यों नहीं आए, आपका इस मामले में क्या कहना है। अच्छा केजरीवाल साहब ने वैसे एक चीज कही है, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ मेरे आवास के अंदर उसके दो पक्ष हैं, अभी एक पक्ष सामने आया है, इसके दो पहलू हैं, और पुलिस जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। अरविंद केजरीवाल को किसने मना कराया दूसरा पक्ष बताने के लिए? अरविंद केजरीवाल पत्रकार वार्ता लेते, अपना पूरा पक्ष रखते। अरविंद केजरीवाल टुकड़ों में वीडियो एडिट करके जारी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को तत्काल अपना पक्ष वहां रखना चाहिए था, और पुलिस से कहना चाहिए था कि आइए और आप पूरा जांच कीजिए। और स्वाति मालीवाल के जब पिटाई हुई थी तो स्वाति मालीवाल रोते हुए अपने घर गई, स्वाति मालीवाल के घर जाकर उसका मेडिकल करवाना था, 3 दिन बाद पुलिस जाकर उसका मेडिकल कराती है। कौन है जिसने उसको डरा कर रखा था कि वो 3 दिन न पुलिस ने बयान दे सकी न अपना मेडिकल करवा सकी, इसकी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है विभव कुमार ने सब बताया। इस पर स्वाति मालीवाल ने जब अरविंद केजरीवाल एक लाइन से, जो दूसरा पक्ष है तो संजय सिंह कौन सा वाला पक्ष बता के गए थे जिसमें उन्होंने लिखे हुए कागज से पढ़ा थोड़ा सा? संजय सिंह ने कहा था ना कि जो काम हुआ है वो निंदनीय है, अभद्रता हुई है, बदतमीजी हुई है। किसने किया है? विभव कुमार ने किया है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस थोड़ा धीमे धीमे चल रही है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हो पाई? इसमें तो संजय सिंह को भी पकड़ना चाहिए, उनको पूछताछ करनी चाहिए ना। तो अगर आप इतने दावे के साथ बता रहे थे तो चलो जरा बैठ के जरा घटनाक्रम विस्तार से बता दो। आप तो बता रहे थे ना कि ये हुआ, तो दूसरा पक्ष तो अरविंद केजरीवाल बाद में बताएंगे, ये वाला जो पक्ष सामने है वो तो सबको पता है। लेकिन आप कह रहे हैं केजरीवाल साहब इसको अब अलग अलग लेवल पर ले गए, कोशिश कर रहे हैं वो। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं शोध कहता हूं कि ये शोध का विषय बना है ये व्यक्ति, लेकिन इतना नीचे गिरते चले जाएंगे ये ठीक नहीं। भारतीय राजनीति में किसी ने भी, और देखिए ये अच्छा लगता है, आपके माँ बाप हैं, एक भरा पूरा सुंदर परिवार दिखे, राजनीति में ऐसी सुंदर तस्वीर दिखे, लेकिन आप इस धूप में, आप समझिए इस धूप में अपने माता पिता को बाहर लेके घूम रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से अरविंद केजरीवाल सामान्य और सब वैसे क्या टी शर्ट और लोअर पहन के घूमते होंगे ना, हाफ शर्ट और पैंट पहन के, और जो उनका ट्रेडमार्क है उसमें फोटो खींचा के निकले। वो उनका तो ये कहना होगा ना कि भाई हम तो तैयार बैठे थे पुलिस के लिए, हम तो तैयार। अरे भैया कोई उनका इंटरव्यू कराना था क्या? खुली धूप में सनलाइट में जरा अच्छा आएगा। ये दिल्ली पुलिस बिना बताए पूछताछ थी, पुलिस बताएगी कितने बजे हम आपसे पूछताछ करने आ रहे हैं। और मेरा तो ये कहना, दिल्ली पुलिस के पास इतना टाइम है कि विभव कुमार को लेकर बंबई चली जाती है, दिल्ली की पुलिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने घर पर क्यों नहीं जा रही है? संजय सिंह से भी, संजय सिंह साहब, प्रोफेसर रागी साहब आ गए सर, प्रोफेसर स्वागत है आपका। केजरीवाल साहब ने वीडियो डाला अपने पेरेंट्स के साथ,
कह रहे हैं बस अब हाँ मतलब बुजुर्गों को भी, मेरे बुजुर्ग माता पिता से भी पुलिस पूछताछ करे, यही रह गया, यही तानाशाही होती है और क्या है। देखिए ये आदमी निहायत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है, बहुत ही मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, निहायत ही। मैं यदि दिल्ली के दर्शक सुन लें, मैं यदि इंडिया टीवी के दर्शकों, इससे बड़ा गिरा हुआ घटिया और नीचतापूर्ण व्यवहार किसी बच्चे से नहीं किया जा सकता है जो अपने बाप को बेचने के लिए सड़क पर आया है। हार्श लैंग्वेज है रागी साहब। नहीं हार्श नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने बाप को बेचने के लिए आया है। राजनीति के लिए कोई अपने बाप को बेचे तो ये अरविंद केजरीवाल से सीखे। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ इतनी बात है कि घटना घटी थी, स्वाति मालीवाल जब गई थी तो उनके माँ और पिताजी को भी प्रणाम करके आई थी। उन्होंने कहा कि वो नाश्ता कर रहे थे, मैं माँ बाबूजी को मैंने प्रणाम किया। इससे एक बात बहुत साफ है कि उनकी एंट्री वहाँ तक पहले से हुआ करती थी, कोई महिला ड्राइंग रूम से जाकर के और डाइनिंग टेबल तक चला जाए, आप समझ सकते हैं कि वो घर के परिवार के सदस्य के तौर पर लगभग उनकी एंट्री रहती थी। सही बात है, वो जा करके माँ बाबूजी को प्रणाम करके आए हैं। और फोर्स्ड एंट्री कैसे हो गई फिर? फोर्स्ड एंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, एक बात बताइए, जब इतने बड़े शातिर आदमी जो अपना फोन तोड़ देता हो, जो अपना फोन फॉर्मेटिंग करवा देता हो, विभव कुमार का फोन फॉर्मेटिंग करवा रहा है, वो भी बॉम्बे में जा करके फॉर्मेटिंग करा रहा है, उसका डेटा किसके पास सुरक्षित करके रखा गया है आज तक पता नहीं है। दिल्ली पुलिस को बता रही है, बार बार दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमको ये आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, न पासवर्ड हमें बता रहा है, न सूचनाओं के बारे में कोऑपरेट कर रहा है। हम मुंबई के CCTV खंगाल रहे हैं, मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में है, और ये आदमी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को कहता है, ये कलंकित करने वाला चेहरा है दिल्ली का, घिन आनी चाहिए इस आदमी के साथ। जो क्यों मैं कह रहा हूं, उस घर में अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके माता पिता थे। घटना क्या घटी है, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के, मैं इस बात से सहमत हूं अरविंद केजरीवाल जी के कि भाई निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और दो पक्ष हैं इसके, बिल्कुल दो पक्ष हैं। स्वाति मालीवाल ने क्या हाथ उठाया, यह भी जांच होनी चाहिए, क्या विभव कुमार ने हाथ उठाया, यह भी जांच होनी चाहिए, कई तरह के बातें आ रही हैं। लेकिन जब दिल्ली पुलिस एक बुजुर्ग मां बाप से पूछने के लिए कह रही है, तो सिर्फ इतनी बात करने के लिए कि क्या बाबूजी उस दिन हुआ था, माताजी क्या उस दिन घटना घटी थी जी, ठीक, जितनी उनकी जानकारी हो, और वो तो उनके शीश महल के अंदर ड्राइंग रूम में भी जाकर के पूछते, जब तुम्हारे बाकी गुर्गों से वो जाकर के पूछ रहे हैं, तो उनको माँ बाप को अपने धूप में ले जाने की क्या हो सकती, इससे बड़ा घटिया नीच और की बड़ी बातें क्या हो सकती है सर। चलिए देखिए, इस खबर पर तो बात की हमने, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था व्यूअर्स, एक सबसे बड़ा सरप्राइज, वो सरप्राइज देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, नरेंद्र मोदी विद रजत शर्मा, आज रात 9 बजे। जी हाँ, आज रात 9 बजे आप वो बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। आपने हम लोगों को वंचित कर दिया उससे। वो प्रोग्राम रात 9 बजे आप देखेंगे, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, इंटरव्यू बहुत देखे, मुझे भी मौका मिल गया, मीनाक्षी ने भी किया इंटरव्यू, वो भी आपने देखा, बाकी चैनलों भी इंटरव्यू कर लिया, सब कह रहे थे भाई रजत जी के साथ कब मोदी जी का इंटरव्यू होगा। लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं है व्यूअर्स, वो एक एक्सपीरियंस है, और मैं उस जगह से भी होकर के आ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक झलक देखिए बस आप, अंदाजा आपको लग जाएगा क्या माहौल। दिल्ली के भारत मंडपम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, तो वहां हजारों दर्शक थे, हजारों दर्शक, सुबह 8 बजे से लाइन लगा करके लोग वहां अंदर एंट्री कर रहे थे, मैं वहां था, और जैसे प्रधानमंत्री की एंट्री हुई, लोगों का रिस्पांस और जोश देखने लायक था, अद्भुत। कितनी देर तक तो बस तालियों की गड़गड़ाहट ही गूंजती रही, मोदी के नारे गूंजते रहे। भारत मंडपम में भी यह माहौल मुझे लगता है पहली बार क्रिएट हुआ होगा, और उसके बाद
प्रधानमंत्री सब कुछ शांति से पहले तो आए, सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया पूरे ऑडियंस की तरफ, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे थे, 4000 से ज्यादा लोग उनके बीच में प्रधानमंत्री और रजत जी के बीच आज संवाद हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री ने सबसे प्रणाम कर लिया, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि ये एनर्जी अभी जरा बचा के रखिए, ये जोश जरा 4 जून के लिए बचा के रखिए, क्योंकि 4 जून को भी आपको यही एनर्जी दिखानी है जिस दिन नतीजा आएगा लोकसभा चुनाव का। देखिए जरा एक छोटी सी झलक। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबकी तरफ से स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी, लंबे अरसे के बाद आज आपको यहां आने का अवसर मिला है। मोदी जी जब जब चुनाव होता है शांत हो जाइए, आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए, आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। तो ये तो व्यूअर्स बस झलक थी, शुरुआत थी, ये तो आपने बस अभी मोदी जी की एंट्री ही देखी है, और एंट्री इतनी कमाल की, नारों के बाद सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, 2 मिनट तक तो, कम से कम 2 मिनट तक तो यही बस नारे गूंजते रहे नरेंद्र मोदी की एंट्री पर, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही बस पूरे भारत मंडपम के अंदर। 4000 से ज्यादा लोग, खचा खच भरा हुआ था पूरा का पूरा हॉल, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं साक्षी रहा उस पल का। और उसके बाद जो एंट्री हुई वो आपने अभी देखी ली। रजत जी को भी शांत कराना पड़ा कि थोड़ी देर शांत, अब थोड़ा शांत हो जाए तो हम बातचीत शुरू कर पाए। लेकिन मोदी जी ने भी बस मौके पे जो चौका लगाते हैं ना, उन्होंने कहा भाई ये ऊर्जा बचा के रखिए, ऊर्जा काम आए। पहले बताइए सबसे पहले तो आपको दंडित किया जाना चाहिए। अरे इसलिए दंडित किया जाना चाहिए कि हम लोग भी इस इंटरव्यू के सीधे साक्षी हो सकते थे, होने वाले थे, बिल्कुल हो सकते, और जिसमें कहा ना जाता है बीच में भंगी मार देना उसमें लास्ट में आपने कट किया आगे आप हमारा प्रोग्राम नहीं बचना। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि हम वो प्रोग्राम के बाद मैं आप लोगों के बीच में जरा इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करूँ, ये नहीं हो पाता अगर आप वहां पर होते ना, इसीलिए। लेकिन क्या माहौल बताइए, देखिए कैसा लगा। नहीं देखिए सचमुच जिसको कहते हैं ना, जब मैं तो दावा कर रहा हूँ चुनाव, मैं ये दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आदमी करके दिखा दे। नहीं देखिए आज ये हुआ इस इंटरव्यू को लेकर, और ये आपसे तो चूंकि लोग पूछते ही होंगे, हम लोगों से भी बहुत लोग पूछते थे, और उसकी वजह ये कि चूंकि हम नियमित तौर पर कहानी कुर्सी की में आ रहे हैं तो सबको लगता है कि भाई इंडिया टीवी जा रहे हैं
तो पूछते थे रजत जी वाला शो कब आएगा मोदी जी के साथ, सब पूछते, तो हर कोई इसकी प्रतीक्षा कर रहा था सबसे पहली बार। दूसरा ये कि रजत शर्मा इंटरव्यू करेंगे, इंडिया टीवी पर इंटरव्यू आएगा तो वो किस तरह का होगा, ये दूसरी लोगों के मन में एक इच्छा थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो रजत जी की केमिस्ट्री है, एक तो बहुत लंबे समय के साथी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पहले के जानने वाले हैं, उसके अलावा जब हम इस शो को देख रहे हैं और एक जिसको हम कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जिसको कहते हैं ना प्रसन्न होते हैं, क्या सामने उनके जनता हो, लोग हो, और वो लोग अगर उनके साथ कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, उनके साथ जुड़कर कुछ कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का उत्साह देखने लायक होता है। निश्चित तौर पर उसकी जो झलक अभी दिख रही है, ये इंटरव्यू कमाल का होगा। रजत जी की शैली तो वैसे भी अपने आप में मुझे लगता है कि भारतीय इंडस्ट्री में कोई ऐसा इंटरव्यू करने वाला है नहीं जो आपकी अदालत शो होता है, और ये तो फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है लेकिन लार्ज स्केल पे है, तो प्रतीक्षा करेंगे 9 बजे देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हजारों लोगों के सामने, और उसमें ऑडियंस के भी सवाल है, जो लोग वहां बैठे हैं उनके भी सवाल है, उसके अंदर सीधे प्रधानमंत्री से सवाल जनता पूछ रही है। देखिए सौरव जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इतने इंटरव्यूज दिए, देश की जनता इतने इंटरव्यू देखने के बाद भी देश की जनता को इस बात की कमी खल रही थी कि प्रधानमंत्री जी का रजत शर्मा जी के साथ इंटरव्यू कब होने वाला है। वो देश की जनता ही नहीं, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैंने इतने इंटरव्यू दिए, रजत शर्मा जी के साथ मुझे कब इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों का जो बॉन्डिंग है और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दोनों का, रजत शर्मा जी जिस तरीके से प्रश्न हंस के पूछ लेते हैं, कठोर प्रश्न पूछ लेते हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, लाजवाब है, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता किसी चीज़ को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि रजत शर्मा जी अगर मेरे सामने होंगे तो मुझे भी जवाब देने में जो आनंद आएगा उनके जो प्रश्नों का, तो वो इंतजार कर रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी की भी इच्छा पूरी हुई और देश के मुझे लगता है 140 करोड़ लोगों की भी आज इच्छा पूरी होगी कि आज रात को 9 बजे उन्हें रजत शर्मा जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को देखने को और सुनने का मौका मिलेगा। ये अद्भुत होगा, ऐसा इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि भारतीय टेलीविजन में इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। जरूर इसमें ऐसी बातें होंगी, अभी तो मैंने देखा नहीं है, रात को पूरा जरूर देखूंगा मैं सांस रोक कर, जरूर ऐसी बातें होंगी जो देश की जनता को बहुत जानकारी देगी और उनके काम आएगी। देखिए तो जरूर रात को 9 बजे देखिएगा। रात को 9 बजे ये अद्भुत अविश्वसनीय ये जो प्रोग्राम है इसको आप देखेंगे। मैं ये शब्द हल्के में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं देख करके आ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, माहौल महसूस करने लायक है केवल जब आप वहां होते हैं ना, और एनर्जी होती है 4000 लोगों की, प्रधानमंत्री सामने हैं आपके, रजत जी जैसी शख्सियत आपके सामने है, और उसके बाद दोनों के बीच जो मजेदार बातचीत शुरू होती है, और हर तरीके का सवाल, हर तरीके का प्रश्न, अनकंफर्टेबल प्रश्न भी, मतलब कोई ये कहे कि भाई नहीं साहब मोदी जी, जैसे आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ना आजकल कि मोदी जी तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं क्या, और विपक्ष ने कहीं इस बात को उठाया, आप 4000 लोग के सामने आप करके दिखा देंगे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू? नहीं, आपके साथ भी नहीं हुआ पटना में, आपने लिया? अरे सर मैं कह रहा हूँ, मैं और दूसरी एक चीज और जोड़ दूं सर, रजत जी की शख्सियत के बारे में एक बात और, रजत जी तो अद्भुत ही है, आपकी अदालत के बारे में कुछ कहना नहीं, उनके साथ एक और दूसरी चीज है, उनको कोई ऑर्डिनरी चीज पसंद आती ही नहीं, कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं। अब ये सोचना कि मुझे सामने 4000 लोग चाहिए तब जाकर के मेरी और प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, और जगह भारत मंडपम इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत जगह, एलबी थिएटर या थिएटर, खूबसूरत सबसे महंगा भव्य जहां G20 हुआ, ये वो जगह है, वो जगह जहां G20 कराया प्रधानमंत्री मोदी ने, उस जगह पर हुआ ये, और मंडप मोदी जी ने बनवाया इस मंडप को। सौरभ जी, एक यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में जो है कहीं ना कहीं एक कोई चीज खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये सारा जो यज्ञ पिछले 2 महीनों से चल रहा था ये अधूरा थोड़ा लग रहा था, ये अब जाकर के, वैसे तो 4 तारीख को पूरा होगा, लेकिन ये जो इंटरव्यू था इसके बगैर ये पूरा यज्ञ अधूरा रह जाता, जो जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री का जनता के साथ विमर्श, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जनता के साथ इंटरेक्शन। और मैं आज देख रहा था एक व्यक्ति का इंटरव्यू, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से लोग पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, छील करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं। मैं यकीन से कह दूं उन युवराज का यदि इंटरव्यू कर दे, वो भागते फिर रहे हैं,
उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि टेलीविजन के चार एंकर के सामने हम बैठ करके इंटरव्यू कर लें, कि उनको पता है कि वो फिर से एक एक एक, एक जो घनघोर हुआ था उसके बाद उनका चौपटी करियर कर दिया था। उस तो एंकर अच्छा। का नाम नहीं ले रहा हूं, टेलीविजन का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको याद है ना, लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि उस एक 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 ने उस व्यक्ति का कैरेक्टराइजेशन भारत के अंदर पप्पू के तौर पर खड़ा कर दिया। देखिए फिर वही कह रहा हूं, 2014 किसी में जिगरा चाहिए, जिगरा जो इतने लोगों के बीच में खड़ा होकर के ओपन इंटरव्यू देने के लिए आ जाए और जनता से सवाल ले। बिल्कुल, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है जनता का, बिल्कुल कहीं से कोई उठ करके खड़ा हो जाए। ये कोई वो समय नहीं है जब कहा जाता था नेशन वॉन्ट्स टू नो, एक NDTV में प्रोग्राम शुरू हुआ करता था प्रणव राय के समय में, एक ही प्रकार के लोग बिठाए हुए होते थे, चार इंच टू वन हुआ करता था। मैं तो सुबह 6 बजे से बाहर जब लोगों ने आना शुरू किया, सबके बीच में हम लोग बात कर रहे थे, सबके पास अपने अपने सवाल थे, जनता के मन में बहुत सवाल थे, खुश थे सब, मोदी जी को देखने का मौका मिलेगा, रेड जी को देखेंगे, लेकिन सवाल सबके पास थे। 70 साल में जिस व्यक्ति का 70 साल में जिस व्यक्ति का 60 साल सार्वजनिक जीवन में गुजरा हो, 55 साल सार्वजनिक जीवन में गुजरा हो, प्रचारकीय जीवन से लेकर के कह रहे हैं, उसके पास कोई अनुभव की कमी है? बिल्कुल, वो कोई चांदी का चम्मच लेकर के किसी आज रात परिवार आज रात को, जैसे समय तो बताई दिया आपने आपको, 9 बजे ये ऐतिहासिक शो आप इंडिया TV पर देखेंगे। और ये भी मैं कहता हूं, सारे रिकॉर्ड फिर टूटेंगे, पहले भी टूटे, 14 में टूटे थे जब नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आए थे, 19 में टूटे थे, तब भी हमने एक स्टेडियम में ऐसे ही हजारों की भीड़ के सामने रजत जी ने प्रोग्राम किया था मोदी जी के साथ, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे पॉपुलर टीवी होस्ट आज रात होंगे आपके सामने सबसे बड़े मंच पर, इसीलिए आज एक बार फिर इतिहास बनेगा। और ये देखिए कुछ तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे वो तस्वीर भी आपने देखी, रजत जी से जब उनकी मुलाकात हुई, रजत जी ने उनको रिसीव किया, उसके बाद दोनों लोग जो है हॉल के अंदर आए, और वो तो फिर आपने समा देखा ही था जब मोदी जी ने अंदर एंट्री की और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन पूरा एंटरटेन होता है मोदी जी सारी बात सुन करके, और लोग सोशल मीडिया पर वाकई लोग कमाल की क्रिएटिविटी दिखाते हैं जो रजत जी बता रहे थे। नहीं, सचमुच देखिए कमाल की क्रिएटिविटी है, और जिस अंदाज में ये सवाल रजत जी ने पूछे हैं, या कहें कि जिस अंदाज में इसको जोड़ा है, जिस अंदाज में इसको प्रेजेंट किया है, वो भी कमाल। और ये जो केमिस्ट्री कई बार दिखती है ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई कोई पत्रकारिता कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, तो ये सच है कि ये दोनों लोग ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने उस प्रोफेशन को जिया है, वो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मतलब अब रजत जी को कोई सुबह उठ के कहे कि अब इंटरव्यू करना है तो उनको सोचना नहीं होगा, और मोदी जी को सोते जगते कोई कहे कि राजनीति करना है तो कोई करेगा नहीं। तो जब ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा और वो सवाल जवाब होंगे, और वो भी उस समय में जब देश 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, आज 5वें 6वें चरण के लिए भी जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो गया है, आखिरी 2 चरण बचे हुए हैं, लगभग इस देश को पता है कि किस तरफ की किस दिशा में ये देश जा रहा है, उसमें ये साक्षात्कार अपने आप में एक अलग तरह की, जिसको हम कहते हैं कि अलग तरह का अनुभव और एहसास लेकर आएगा। ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहना कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का जो स्थान है और भारतीय मीडिया में रजत शर्मा जी का जो स्थान है, और दो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और सबसे इंटेलेक्चुअल राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मीडिया में रजत शर्मा जी है, जब मिलकर आपस में प्रश्नों का जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछा जाएगा वो जवाब देंगे, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी भी इस इंटरव्यू को बहुत आनंद लिया होगा, उन्होंने लगा होगा कि अब कोई मेरे मुकाबले है, मतलब जिसका प्रश्न पूछेंगे और मुझे देने में जवाब आएगा, अब मुकाबला बराबर ही का होगा, वरना अभी तक तो कई इंटरव्यू में ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब एक तरफा दिख रहे, ऐसे कई बड़े चैनल के इंटरव्यूज देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन आज लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि अब बराबरी का मुकाबला रहेगा, पूरे देश की जनता इस बात को आज देखेगी कि किस तरीके से रजत शर्मा सर प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपनी शैली में उसका जवाब देते हैं। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ऐसी कई बातों का जिक्र करेंगे जो कहीं जिक्र नहीं हुआ होगा, पूरे इतने इंटरव्यू दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, इतनी रैलियां किए, इतने अपने उनके YouTube से चल रहा है, सब जगह चल रहा है, लेकिन आज वो जो बोलेंगे मुझे लगता है कि वो टेलीविजन के इतिहास में, क्या मीडिया के इतिहास में, पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र नहीं किया होगा, वो कई राज खोलेंगे अपने चुनाव प्रचार अभियान को लेकर,
अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने काम को लेकर और अपनी तैयारियों को लेकर, और 2024 के बाद वो क्या करने वाले, जो 100 दिनों का एजेंडा होगा उसके बारे में आज हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को हिंट है। रजत शर्मा ने पूछा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कहा होगा। आज देखना प्रोग्राम ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल, आपने जो बात करी है बिल्कुल ये सही बात है नरेंद्र। अभी जितने भी उनके इससे पहले इंटरव्यूज हुए हैं, कमोबेश आप देखेंगे सवाल एक जैसे जवाब, अब क्या प्रधानमंत्री भी क्या जवाब देंगे उसी को वही जवाब। लेकिन ऐसे जब एक तो रजत जी जैसे जब होस्ट सामने होते हैं और फिर सामने जब जनता दिखाई देती है नरेंद्र मोदी को, तो पर्सनालिटी अलग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उनका अंदाज बदल जाता है। मैंने 2014 का भी देखा था रजत जी के साथ, 2019 का भी देखा था। वाला भी बड़े बहुत शानदार वो दोनों हैं। और मैं सच कहूँ तो मैं ये अब नहीं कह सकता है, शुरुआत में होता समा मुझे लगता है कि वहीं से बंध जाती है, वो एक मेरा अपना अनुभव रहा है। आपको याद होगा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। 2014 में भी मुझे लगता है कि शुरुआत में ही रजत जी के साथ इंटरव्यू हुआ था आपके, तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब आपकी अदालत हुआ था। हाँ, तब आपकी अदालत हुई थी मुझे याद है। वहां से देखिए एक डायलॉग चला था, मुसलमानों को मैं एक हाथ पे कंप्यूटर एक हाथ पे कुरान देते हुए देखना चाहता हूँ। तो मेरा कहना है कि देखिए हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जो सामान्यतः जो बाकी सारे चैनलों में सवाल पूछे गए हैं या आप लोगों ने जो सवाल पूछा है वो सवाल को दोहराया गया होगा, क्योंकि रजत जी के पास उनका रिसर्च अलग होता है, आप लोगों के रिसर्च से बिल्कुल उनका अलग रिसर्च होता है। सर मैंने तो इतने लोगों को कहते हुए सुना है जो होस्ट आते हैं, जो गेस्ट आते हैं माफ कीजिएगा, वो कान पकड़ के पूछते हैं कि ये बताइए आपको ये बात पता चली कैसे, मैंने इतनी सॉलिड रिसर्च होती है। तीन पिछला जो हुआ था उसमें मैंने रजत जी को करीब 10:30 रात में मैंने टेक्स्ट किया, रजत जी आपने आज जो तिवारी जी है मनोज तिवारी जी आज उनकी पसीना बहा दिया उनको, तब देखिए ने हंसते हंसते वैसे वैसे सवाल पूछे जो विपक्ष पूछता है। मजेदार बात है, विपक्ष उनसे मनोज तिवारी से क्या सवाल पूछता है, आपने ऐसे ऐसे गंदे गंदे फिल्मों के में आपने काम किया, ये भूमिकाएं थी, ये आपने टाइटल दिया, सारे सवालों का पूछ दिया। और बहुत मैं मानता हूं मनोज तिवारी ने अद्भुत जवाब दिया, बहुत अच्छे थे। लेकिन मजेदार बात है पूछने की शैली, कथानक जिसको कहते हैं ना, हम कैसे किसी चीज को रखते हैं प्रेजेंट करते हैं, कॉन्टेंट तो सबके पास एक ही होता है, अंतर कहां से आता है, अंतर आपके अभिव्यक्ति के तरीके से आता है, शैली से आता है। मुझे यकीन है कि आपने मैं तो देखा नहीं हूं और उसके बारे में कभी सुना नहीं कि भाई क्या क्या पूछा गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आज के वर्तमान परिदृश्य पर भी होगा जी, और आने वाले सब कुछ के बारे में भी जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है जब जब देश में चुनाव होते हैं लोग एक शो का इंतजार करते हैं और बहुत दिल थाम के इंतजार करते हैं, जब रजत शर्मा के सामने नरेंद्र मोदी होते हैं। साल 2009 देश में चुनाव था, नरेंद्र मोदी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो आपकी अदालत में आए, रेटिंग के व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। साल 2014 के चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, आपकी अदालत का प्रोग्राम हुआ, यही स्टूडियो में रात को रिकॉर्डिंग हुई थी हमारे यहाँ दफ्तर में, सोशल मीडिया का जमाना तब तक आ चुका था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस प्रोग्राम ने, अद्भुत प्रोग्राम बना। और साल 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में पब्लिक के बीच स्टेडियम में उनसे सवाल पूछे, रजत जी ने सवाल पूछे, पुलवामा की घटना हो चुकी थी, बालाकोट हो चुका था, पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, एयर स्ट्राइक की जा चुकी थी। अब 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री और रजत जी आमने सामने। 2009 पेश है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। 2014 चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। आज आपकी अदालत के माध्यम से उस बात को जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी बनने के सपने मत देखो, अगर सपना देखना है तो कुछ करने का देखो। 2019 पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं,
और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से। दो हजार चौबीस एक बार फिर रजत शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी। आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ये तो सिर्फ आपने भी ट्रेलर देखा है, आप कहेंगे क्यों आप लोग भी हम लोग को जो है तरसा रहे हैं, लेकिन देखिए अब कुछ देर तो थोड़ा इंतजार और आपको करना पड़ेगा। रात 9 बजे ये आप ऐतिहासिक शो देखने जा रहे हैं। अब जो अभी 2009, 14, 19 उन जो रजत जी के साथ प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम हुए हैं उसके आपने भी छोटे छोटे उसमें प्रधान सवाल रजत जी के और प्रधानमंत्री के जवाब सुने। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में ये मैं कि भाई प्रधानमंत्री बालाकोट पर बोले पाकिस्तान ने टैंक लगा रखे थे पूरे बॉर्डर के ऊपर, उन्हें लगा था कि इन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो यहीं से आएंगे, हम बजरंगबली के भक्त हम ऊपर से चले गए। नहीं देखिए, एक तो ये कि इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि जब आप इंटरव्यू लेने वाला जैसा होता है तो इंटरव्यू देने वाला भी उस अंदाज में आ जाता है, और अभी हमने लगातार इतने इंटरव्यूज देख लिए हैं प्रधानमंत्री के इस चुनावी सत्र में, चुनावी वातावरण में, इस माहौल में। एक समय के बाद थोड़ा सा कुछ कहें कि संजीदापन कह लें, थोड़ा एक रूपता कह लें, वो सब दिखने लगा। ये इंटरव्यू फिर से दिखा रहा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत में हो, नए सिरे से पूरी वही वाली एनर्जी दिख रही है, उसी अपने चुटीले अंदाज में है, और जिस तरह के सवाल जवाब की हम कल्पना कर सकते हैं उसके लिए जो अभी 2009-14 उसके पहले के जो इंटरव्यू हमने देखे 19 के उससे एक झलक मिलती है, लेकिन 24 का कैनवास बहुत बड़ा है सौरभ। अच्छा, 24 का कैनवास ये 2009-14-19 का नहीं है, ये वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव होने जा रहा है। ये दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनेगी वो भारत को कैसे जियोपॉलिटिकल मैप पर ग्लोबल लीडरशिप में कैसे स्थापित करेगी उसका ये होने जा रहा है, और उसमें रजत शर्मा के इंटरव्यू में निश्चित तौर पर हम लोग कुछ वर्ल्ड लेवल की चीजें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल का एक ग्रेट इंटरव्यू शो होगा, वो हम रात 9 बजे उम्मीद करते हैं। 2019 में मुझे याद है जब प्रोग्राम हुआ था वो भी स्टेडियम में ऐसे ही, उसमें वहां भी हजारों लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आज वाले शो का तो लेवल ही अलग है। ये तो मैं देख के आऊँ तो बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट लेवल, आउट ऑफ दिस, आप कहिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, देख करके ऐसा लगता है। और मैंने तो बाहर भी ऐसा, मुझे कोई विदेश में भी ऐसा कोई इस लेवल पर कोई बहुत नहीं देखे हुआ इंटरव्यू मैंने ऐसा भी नहीं देखा कहीं। देखिए विदेश में क्या, दुनिया के किसी हिस्से में, एक तो कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के किसी भी हिस्से से बहुत गहरा है, ये जो वाइब्रेंसी है, ये जो एनर्जी है वो अद्भुत है, और यहाँ जब चुनाव होता है तो हम कहते हैं ना दुनिया में और कहीं नहीं होगा जिसको हम पर्व के तौर पर, उत्सव के तौर पर मनाते हैं, उसमें मीडिया और सरकार, मीडिया और नेता, पत्रकार और नेता, उसको भी देश की जनता देखती है, वो किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्नों पर उनके उत्तर किस तरह के, वो देश की समस्याओं को कैसे देखते हैं, उसके समाधान को कैसे देखते हैं, उसके लिए भी लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं, और उस पर्व में अगर इस तरह का साक्षात्कार आता है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतीक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक। और अभी इंटरव्यू जब पूरा आएगा रात में तो आप उसको देखेंगे। मैं एक चीज पे काम कर रहा हूँ, अभी उसका पूरा खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से, आज से नहीं 30 साल तो पढ़ाते हुए हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यदि 10 साल और पीछे से जोड़ दें तो 40 साल की एक अनुभव है। योगेंद्र यादव कह रहे थे 35 साल का सेफोलॉजी का अनुभव है। भारतीय राजनीति में जो राजनीति का जो नया व्याकरण है, नई शब्दावली है, एक भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सारे प्रधानमंत्रियों को एक कहा जाता था कि कालिदास को एक तुलने पल्ले पे रख दीजिए और शेक्सपियर के सारे नाटकों को एक साथ रख दीजिए, फिर भी कालिदास का पलरा भारी दिखेगा। सारे प्रधानमंत्रियों को आप एक साथ लाकर उठा दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित नेहरू एक साथ लाकर के खड़ा करिए, नरेंद्र मोदी उनमें अलग चमकता हुआ ध्रुव तारा की तरह दिखेंगे। और ये मैं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी
और जिस प्रकार से उनको शब्दों से मुहावरों से जोड़ करके कनेक्ट करके इन्होंने खड़ा किया है, मैं अतुलनीय मानता हूं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे यदि आप नारे यदि आप देखना शुरू करें जिनको पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे आपको 1100-1300 के आसपास के नारे हैं जिसका मैंने अपने आप कलेक्शन किया है। और फिर लगता है यार ये व्यक्ति तो एक नए तरीके से ही सोचता है, ये पुराने लीक पे चलने वाला व्यक्ति ही नहीं है, राजनीति में भी नहीं चलने वाला है। और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं रुक जाऊंगा, जब नीति आयोग का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन चल रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा आप जरा पीछे वाला स्लाइड घिस पकाइए तो जरा सा, मैंने कहा ये क्या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसको। तो ये जो सोच है आउट ऑफ बॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल, लोग उससे कहते हैं कितना प्रधानमंत्री ने पढ़ा कितना, अरे यार पढ़ने से नहीं होता है, सूरदास जी पढ़ करके इतनी बड़ी रचना नहीं कर गए थे। और बड़े बड़े जो जो लोग हैं वो इतने बड़े चीजें करके खड़े कर जाते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व का धन, बिल्कुल ये तो अद्भुत व्यक्तित्व का धन। नरेंद्र मोदी की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक है कोई ही नहीं, मतलब ऐसा आप पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने पॉलिटिकल लेक्सिकन बदल दिया है। आप जीवन का एक क्षेत्र उठाइए, एक मैं आपको फिर आपको चैलेंज कर रहा हूं, देखिए जो एक क्षेत्र इस पर एक आध दिन डिस्कशन होना, एक क्षेत्र लाइए और उस पर देखिए कि नए तरीके से सोच आई है या नहीं आई है। देखिए तब 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया अहमदाबाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी से और प्रधानमंत्री का चार्ज संभाला, तो गुजरात का जब इनका आखिरी जो पत्रकार वार्ता थी जहाँ पत्रकारों को मिलने बुलाया था इस्तीफा देने के बाद, तो इनसे पूछा कि विपक्ष आपको गुजरात में चुनौती दे नहीं पाया, क्या लगता है आपको आप प्रधानमंत्री बन गए हो, क्या दिल्ली में आपको विपक्ष चुनौती दे पाएगा, या जिस तरीके से आपने एक क्षेत्र गुजरात की राजनीति में किया, क्या दिल्ली की राजनीति कर पाओगे, गुजरात एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली बहुत बड़ा है, देश फैला हुआ है, क्या जो गुजरात में आपकी धमक थी वो दिल्ली की राजनीति में धमक बनेगी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि तो विपक्ष को मैं कब से सिखा रहा हूं गुजरात के अंदर भी कि मेरी राजनीति करने का तरीका देखिए, मुझ पर रिसर्च कीजिए, मैं जाता हूं दक्षिण में वो चले जाते हैं पूर्व में, वो मेरा अध्ययन नहीं करते कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं कैसे निर्णय लेता हूँ, मेरी राजनीति क्या है, वो अगर मेरी राजनीति को समझेंगे मेरे निर्णयों को देखेंगे मेरे पे थोड़ा ध्यान देंगे तो वो समझ जाएंगे नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। विपक्ष अभी वहीं पर है जब देश स्वतंत्र हुआ था, मैं देश को भविष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2047 में विकसित भारत देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस बात का हिंट गुजरात में दे दिया था कि मैं दिल्ली में सरकार बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं देश का भविष्य सुधारने जा रहा हूं, देश को विकसित भारत बनाने जा रहा हूं जी। और 3 साल का जो कार्यकाल शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, 10 साल का कार्यकाल हो चुका है, इतने आराम से इतने मतलब 2014 के बाद 2019 का चुनाव लगा ही नहीं कि चुनाव लड़ रहे, एक तरफा दिख रहा था, 2024 का चुनाव भी वैसा ही नीरस लग रहा है। ये पहला चुनाव मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वो डरते ही नहीं किसी भी चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। 10 दिन की कहानी रह गई है बस, बिल्कुल वो रुकी जाए थोड़ा, 10 दिन 4 तारीख को पता चल जाएगा।